Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सबसे पहले एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ. मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट करने जा रही हूँ. इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए. आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक का पेज लाइक कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अपने फेसबुक पर मेरी इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स को टैग कर शेयर कीजिए विद हैशटैग सानवी शर्मा. इस कंटेस्ट का रिजल्ट मैं 15 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस करूंगी. इसमें 3 विनर्स अनाउंस होंगे. 2 को फ्री लॉन्ग रीडिंग मिलेगी और 1 को हीलिंग फॉर ओवरऑल चक्रा बैलेंसिंग मिलेगी. सो डू पार्टिसिपेट. आई वॉन्ट ऑल माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन दिस कंटेस्ट और अपने लिए आप फ्री रीडिंग ले सकें. ओके, तो कमिंग टू दिस वीडियो जो आज मैं बनाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ आपको. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं. ओके, सो जैसे कि आप लोगों ने मुझे कहा कि अल्फ़ाबेट से मैम आसानी होती है, तो विल गो विद दीज पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. अपने अल्फ़ाबेट्स को ध्यान से देख लीजिए कौन सी पाइल आपकी है. और ये जो पाइल सिलेक्शन है, ये आपके जो आपका नाम इन डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका फुल नेम है, उससे आप देखेंगे, निक नेम से नहीं देखेंगे. ओके, और ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, आपकी एनर्जी से रिलेट करेंगे. ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2. तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए ये वाले कार्ड्स हैं, और जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए ये वाले कार्ड्स हैं. तो पहले देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या निकल कर आता है, कि आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या हैं. पाइल नंबर 1 पीपल. ओके, सो पहले बॉटम कार्ड कॉल टू एक्शन का कार्ड है. यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको अल्फाबेट्स नज़र आते रहें. ओके, जजमेंट का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. इतने क्लियर कार्ड्स आए हैं कि यहीं पर ही रीडिंग स्टार्ट करने का दिल करा है. ओके, द फूल, स्लोइंग डाउन. ओके, इनर टेंपल का कार्ड है ये. देखिए, इनर टेंपल का कार्ड है, ट्रस्ट योर पाथ, 5 ऑफ विंटर, 9 ऑफ स्प्रिंग. इसको यहीं लगा दे. ओके, 7 ऑफ स्क्रोल्स, 2 ऑफ स्क्रोल्स, पैशन इग्नाइटेड, मूवमेंट चॉइसेस, डिसीजन का कार्ड है. कुछ कार्ड्स यहां लगाएंगे, शो द वर्ल्ड द रियल यू, कम्युनिकेशन इज की, एक कार्ड ये है आपके लिए, एक कार्ड और है, एक मिनट. मैंने इलैबोरेट रीडिंग ली है आज. इस इलैबोरेट रीडिंग का मतलब ये है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, रिश्ते में क्या होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग ये कार्ड्स निकाले गए हैं आज. तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या हैं. जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है. सबसे पहले तो जो बॉटम कार्ड है उसको एक्सप्लेन करते हैं. देखिए, कॉल टू एक्शन का कार्ड है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं. ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपके पार्टनर को आपके एक्शन की ज़रूरत है. आपको चार्ज लेना होगा इस रिलेशनशिप में, आपको एक एग्जाम्पल सेटअप करना होगा, आपको अपनी करनी और कथनी, जो आप दिल में सोचते हैं उसके लिए आपको कर्म भी करने होंगे. ओके, ये डिवाइन का आपके लिए मैसेज है, आप इसे मैसेज कह सकते हैं, या आपको ये गाइडेंस है, आप इस तरह से ले सकते हैं कि कमांड इस रिलेशनशिप की आपको खुद से संभालनी होगी. ओके, बॉटम कार्ड यही रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है.
द अदर थिंग इज दैट आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है फिर भी हमारे केस में ये डिले क्यों मिलती है, ये पोस्टपोनमेंट क्यों मिलती है। आपके केस में ये डिले पोस्टपोनमेंट की जो एनर्जीज हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर एक थर्ड पार्टी एनर्जी है, उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कैप्चर करके रखा हुआ है, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है, आपके पार्टनर अपने होशो हवास में नहीं है, वो क्या कर रहे हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस साइकिल से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो एक हैंग स्टेट पर है। ओके, आपके पार्टनर आपसे हेल्प चाहते हैं क्योंकि वो इस साइकिल को तोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, ये डिले कितनी लंबी डिले है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं उनकी पर्सनल रीडिंग में कि मैम ये कभी तो ख़त्म हो जाएगा, ये जब तक ख़त्म होगा तब तक आपके पार्टनर की क्या हालत होगी आप समझ भी नहीं सकते हैं, ये चीज़ उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रही है, ये चीज़ उनके ब्लड सर्कुलेशन को इफ़ेक्ट कर रही है, उनके किसी ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रही है, ये जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी है आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन में है। अगर प्यार है तो सिर्फ ये मत कीजिए कि हाँ प्यार करते हैं हमारा प्यार उनको खींच लाएगा, जो 3D मतलब जो उनकी लाइफ की सच्चाई है उसमें देखिए ज़रा कि उन्हें क्या करना है, किस तरह से वो बाहर निकल पाएंगे, वो एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जी है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। ओके, अगर फिर भी आप ये सोचते हैं कभी तो ख़त्म होगा कभी तो ख़त्म होगा, तो आप वेट करते रहिए, फिर ये जो साइकिल है ये चलता जा रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। आपके पार्टनर आपसे हेल्प की उम्मीद रख रहे हैं, आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक नई पॉसिबिलिटी को लेकर आ सकते हैं, तो आप इसके ऊपर एक्शन लें, आप एक नई अपॉर्चुनिटी उनकी ज़िंदगी में लेकर आए, एक नई राह उनकी ज़िंदगी में लेकर आए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में मूव कर रहे हैं, टॉर्टोइस की चाल है, और ये बिल्कुल ही बहुत धीरे धीरे चल रही हैं चीज़ें, और इसमें अगर वेट करना है आपकी चॉइस है, आपको इन मैसेजेस को समझना है वो भी आपकी चॉइस है। ओके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कि वो अपने आप आ जाएंगे, ये होगा क्या मैम, वो आ जाएंगे कब तक आ जाएंगे, प्लीज़ डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर एक्शन आ रहा है, इससे ज़्यादा आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस हो सकती है बताइए ज़रा। ओके, सो द अदर कार्ड ओवर हेयर इज इनर टेम्पल का कार्ड है एंड ट्रस्ट योर पाथ। देखिए आपको अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से निकालने का क्या रास्ता है, आपको अपनी इनर सेल्फ पे काम करना है, आपको अपने पार्टनर को हील करना है, आपको अपने अंदर की गहराई को समझना है, आपको अपने पार्टनर को हील करने के लिए हर एक पॉसिबिलिटी देखनी है। आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मैम हीलिंग प्रोसेस कैसे होता है, देखिए मेरी जो वाइब्रेशंस हैं वो हायर है, मेरा अपना प्रोसेस होता है। अगर आप सोचते हैं कि आपका कुछ अपना प्रोसेस है आप उसे कीजिए, अगर आप सोचते हैं कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे या आप बहुत टाइम से कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैनिफेस्टेशन आपकी इस कारण कई बार फेल होती है। मैंने ये भी कमेंट्स में बहुत बार सुना है कि मैम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, आप तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रिपीटेड ब्लैक मैजिक थिंग हो रही है जिसकी वजह से आप इस चीज़ को रिजल्ट की फॉर्म में नहीं देख पा रहे हैं। आपको अपने पाथ पर ट्रस्ट करना होगा, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे हेल्प चाहते हैं और डिवाइन आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रास्ता अगर आपको दिखा रहे हैं तो उस रास्ते पर आपको चलना होगा, आप खुद से अपने रास्ते नहीं बना पाएंगे, बिकॉज ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी क्रिटिकल है फॉर दीज पीपल जिनका पाइल नंबर 1 है, ठीक है। तो आप को भी पता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन किसी हालात की वजह से या आप अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं या आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, आप अभी तक उस रास्ते पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर आपके पार्टनर को
हील किया जा सके, आपके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो ये चीज़ें हैं वो रिजल्ट नहीं दे रही हैं, आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है आप शायद उस रास्ते को समझ नहीं पा रहे हैं. सो डू फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशंस को हाई कीजिए, पहले अपने ऊपर काम कीजिए, फिर ही आप अपने पार्टनर को हेल्प कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज द थिंग. या तो हीलिंग खुद कीजिए, नहीं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं भी स्पिरिचुअल हीलर हूँ, आई कैन हेल्प यू. लेकिन हीलिंग से पहले हमेशा रीडिंग होती है. डायरेक्ट हीलिंग कभी भी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी बिकॉज ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग हीलिंग होती है. ब्लैक एनर्जी कोई एक तरह की एनर्जी नहीं होती है, ये डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है. तो उस एनर्जी को देखकर ही मैं आपको हीलिंग का बता पाऊंगी. रीडिंग भी पेड है, हीलिंग भी पेड है, डिफरेंट चार्जेस होते हैं, सेपरेटली होते हैं. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन. ओके, द अदर थिंग इज आपको मूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपको चॉइसेस बनाने की ज़रूरत है, आपको डिसीजंस लेने की ज़रूरत है. आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप का चार्ज लें अपने हाथ में और एक मूवमेंट के साथ अच्छी चॉइस बनाकर डिसीजन लें. आप इस रिलेशनशिप को सिर्फ अपने ख्यालों में ही एडवायर नहीं कर सकते. अगर आपको इस रिश्ते को सच में सच्चाई बनाना है तो आपको डेफिनेटली काम करना होगा, और ये आपका काम है. क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे थकते हुए नज़र आ रहे हैं, वो थक चुके हैं इस चीज़ से कि वो इस साइकिल से कैसे बाहर निकलेंगे. आपने जनरली रीडिंग्स में सुना होगा कि आपके पार्टनर अपने ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन वो इस साइकिल को तोड़ नहीं पा रहे हैं. तो आपके पार्टनर आपसे ये मूवमेंट चॉइसेस और डिसीजन की एनर्जी एक्सपेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं ये चीज़. द अदर थिंग इज यहाँ पर पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है. आपके पार्टनर आपके प्यार को समझ चुके हैं, उन्हें पूरी तरह से हर एक चीज की रियलाइजेशन है. ओके, लेकिन अब इस गलत स्टेप को सही कैसे करना है, जिंदगी में अपने आसपास चेंजेस कैसे लेकर आने हैं, इसकी आपके पार्टनर को कोई भी नॉलेज नहीं है. तो आपके पार्टनर बेसिकली आपसे हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं, और ये जो उनका दर्द है वो कहीं ना कहीं आप भी अंदर ही अंदर महसूस कर रहे होंगे कि वो दर्द में हैं. ओके, तो अगर आपको आपके पार्टनर कुछ अलग सी हरकत करते हुए नज़र आते हैं तो डोंट थिंक कि वो अपने होशो हवास में ये चीज़ कर रहे हैं, वो अंडर इन्फ्लुएंस है, इस वजह से इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. द अदर कार्ड ओवर हियर इज टू वर्ल्ड्स का कार्ड है. आपके पार्टनर एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, वो इस जिंदगी से परेशान हो चुके हैं. वो बाहर लोगों को कुछ दिखाते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं, उनसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रही है. इस साइकिल से कैसे निकले उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही है. इस दोहरी जिंदगी को आपके पार्टनर थक चुके हैं फेस करते करते, वो इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं. ओके, कोशिश करते हैं आपके पार्टनर, डेफिनेटली कोशिश करते हैं, अपने ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो चीज़ नहीं हो पाती है. बिकॉज जो उनके साथ हो रहा है वो रेपिटेटिव हो रहा है, वो बार बार हो रहा है. इस वजह से उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ज़िंदगी किस डायरेक्शन की तरफ को मूव कर रही है. तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, आपकी हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं. ओके, तो ये आपके पार्टनर किस तरह से इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, ये वो कार्ड्स हैं. द अदर थिंग इज नाइन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है. ठीक है, आपने मेहनत की अपने रिश्ते को लेकर. ठीक है, मींस अपने पर्सन के अंदर आप काफ़ी चेंजेस लेकर आए जब वो आपके साथ थे. ठीक है, लेकिन अब क्या है, उस फसल को कीड़ा लग गया है. समझ के देखिए. ठीक है, जब फ्रूट्स राइपन होने का टाइम आया उस फसल को कीड़ा लग गया. ये कीड़ा वो थर्ड पार्टी है. ठीक है, और अब आपको चैलेंजेस फेस करने होंगे. आपके पार्टनर आपसे हेल्प एक्सपेक्ट इस वजह से कर रहे हैं, वो आपके स्टैमिना को, वो आपके पोटेंशियल को जानते हैं. ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें बचा लें, वो ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. द अदर थिंग ओवर हियर इज फाइव ऑफ विंटर का कार्ड है. आपके पार्टनर ये जो उन्होंने डिसऑनेस्ट एसोसिएशन बनाई है इस थर्ड पार्टी के साथ, वो वहां से मूव करना चाहते हैं. ठीक है, उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने अपनी खुशियों के लिए इस रास्ते को चुना था, बट उन्हें यहाँ पर कोई भी खुशी नहीं मिल रही है, बल्कि उनकी ज़िंदगी नर्क होती जा रही है. ठीक है, उन्होंने एफर्ट्स लगाए गलत डायरेक्शन में, लेकिन ये एक साइकिल हो गया है, ये गोल हो गया है. उन्हें इस गोल जो सर्कल है उससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है. वो आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि वो इस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं. छोड़ें कैसे ये उन्हें समझ नहीं आ रहा, इसके लिए आपकी हेल्प की उन्हें ज़रूरत है.
ठीक है, तो ये आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं. द कार्ड ओवर हियर इज रिलीज. आपके पार्टनर हर एक अनवांटेड एनर्जी को रिलीज करना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करना चाहते हैं. जो उन्होंने इस एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में अपना लिया है, वो इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं. वो आपसे ये हेल्प इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा पेन में है. यहाँ पर हर कार्ड एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहा है, दर्द दिख रहा है. ठीक है, उन्होंने एक गलती की. अगर आप सोचते हैं कि ये गलती माफ़ करने लायक है तो उनकी हेल्प कीजिए. अगर आपको नहीं लगता तो उनकी वेट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है फिर. ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज एम्पैथी का कार्ड है. आपके पार्टनर को सारे इमोशंस अब समझ में आ गए हैं. ठीक है, उनको आपकी हर एक चीज़ की रियलाइजेशन है. आप इस रिश्ते में उनके लिए क्या क्या कर रहे थे, इस रिश्ते में कितनी सच्चाई थी, उन्हें सब चीज़ों का एहसास हो गया है. वो अकेले में जब वक्त गुजारते हैं तो आपके साथ बीता हुआ हर लम्हा उन्हें याद आता है. वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. ओके, आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें भी खुश रहने का अधिकार है, लेकिन ज़िंदगी इतनी नर्क हो गई है कि अब ये खुशी, ये ब्राइटनेस उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आ रही है. ठीक है, ओके, द अदर थिंग इज़ दैट उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो कुछ वो फील कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, तो इसलिए वो यूनिवर्स को थैंक यू कह रहे हैं. वो ये चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प कीजिए ताकि वो अपने ये जो फियर है, जो ये सिचुएशन है, इसे बाहर को देख सकें, ताकि उनकी जो परसेप्शंस हैं वो बढ़ सकें. ठीक है, और वो ये चीज़ जान सकें कि हाँ, दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं. वो अच्छा इंसान उन्हें आप में नज़र आता है, और डेफिनेटली वो तभी आपकी हेल्प सीख कर रहे हैं. उन्होंने गलत किया वो मानते हैं, बट वो ये जानते हैं कि आप उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं, तो आप उनकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे. ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के. ओके, द अदर थिंग, यहाँ पर दो कार्ड्स, एंजल्स डिवाइन क्या कर रहे हैं, वो आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं. पाथ आपको खुद चूज करना है. डायरेक्शन गार्डियन आपकी हेल्प कर रहे हैं. आपको बहुत सारी रीडिंग्स में, आपको बहुत सारी चीज़ों में अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर आपको ये चीज़ पता लग रही होगी कि आपको बार बार कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, आप उनकी हेल्प कीजिए. आपके पार्टनर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, आप उनकी हेल्प कीजिए. तो ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं आई थिंक, लेकिन डायरेक्शन गार्डियन आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं. वो हर एक टाइम पर आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं. और ट्रैवलर का कार्ड है विद अ डायरेक्शन गार्डियन. वो आपको चाहते हैं कि आप नई डायरेक्शन में मूव करें, आप अपने थॉट प्रोसेस से बाहर निकलें. आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो चुका है. आप ये सोच रहे हैं कि चीज़ें वक्त के साथ सही हो जाएंगी. यहाँ पर वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं. ये साइकिल बहुत लंबा चलने वाला है अगर आप इस जो ये साइकिल है इसको डायसेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप इस साइकिल को नहीं तोड़ेंगे तो. ओके, सो थोड़ा सा ध्यान रखिए. द अदर थिंग ओवर हियर इज आपको अपना स्टैंड लेना होगा आपके पार्टनर के लिए. वो आपसे ये जो हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनकी हेल्प तभी कर पाएंगे जब आप खुद हायर एनर्जीज में जाएंगे. ठीक है, तो यहां पर आपकी असेंशन होनी भी बहुत जरूरी है. ठीक है, आपको हेल्प दूसरे से सीख करनी पड़ेगी. कम्युनिकेशन इज द की. आपको तभी एग्जैक्ट सिचुएशन समझ आएगी, नहीं तो वेट है, वेट करते रहिए. जितनी लंबा टाइम जाता जाएगा उतनी चीज़ें इंटेंस होती जा रही हैं. आप रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो रही है, उनका मेंटल स्पेस खराब हो रहा है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव जा रही हैं. सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए. अपना रिजल्ट जो आपका बिहेवियर है इस टर्म्स में कि हाँ अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप कब तक होगा, हो जाएगा, उससे ये सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है. सो बहुत क्लियर गाइडेंस है. आपके पार्टनर आपसे हेल्प चाहते हैं. वो आखिर आपसे ये चीज़ चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प कीजिए. वो एक खड्डे में गिर चुके हैं, आपको उन्हें वहाँ से निकालना होगा. ये हेल्प वो आपसे चाहते हैं. सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो. नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कोई क्वेश्चंस मत पूछिएगा, बिकॉज अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ओके, रीडिंग कैसी लगी है वो ज़रूर बताइएगा.
वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर इसमें क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो। और एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ जिसकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने स्टार्टिंग में भी बताई हैं वीडियो के, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी फैमिली को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग है। ओके, सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए ये कार्ड्स हैं। लेट्स सी, पहला बॉटम कार्ड देखते हैं क्या है आपके लिए। होप। ओके, बहुत ब्राइट कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, कंट्रोल, आंसर द कॉल, सोल फैमिली, द एम्परर, प्रिंसेस ऑफ समर, सॉरी प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, एट ऑफ फोर्सेस, फोर ऑफ कीज, सॉलिट्यूड का कार्ड है, स्टैंड योर ग्राउंड, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। एक ये मैसेज है, एक ये मैसेज है। ओके, प्रायोरिटीज अभी दिखाती हूँ, थोड़ा सा सेट करती हूँ मैं। कॉपरेशन का कार्ड है अगला। ड्रम का कार्ड है, शी वुल्फ का कार्ड है। एक मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद दिस बॉटम कार्ड। देखिए, आपके पार्टनर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। आपको होप बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ये जो रिश्ता है ये आपका ही रिश्ता है। मुझे यहाँ पर कार्ड्स को देखकर ये लग रहा है कि ये जो लोग हैं ये ट्विन फ्लेम सोलमेट टाइप लोग हैं। ओके, जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज किया है। लव और एक्सेप्टेंस का कार्ड है। ये रिश्ता आपका ही है, लेकिन इस रिश्ते के अंदर एक डिविनिटी है, वो आपको रिकॉग्नाइज हो गई है और आपके पार्टनर को हो रही है, ठीक है। अपने लिए अच्छे थॉट्स का चुनाव करना ये आपका काम है, ये आपको करना चाहिए। और आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि आप अपने आप को प्यार करें और होप ना छोड़ें इस रिश्ते के लिए। ओके, सो देखते हैं क्या हो रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। वो क्यों इमोशनल हैं? एक्चुअल क्या बात हुई है, आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पार्टनर के केस में ये अभी कंप्लीट नहीं है। तो जब वो कंप्लीट नहीं है, उसकी वजह से वो प्रपोजल तो आपको देना चाहते हैं, लेकिन उस प्रपोजल में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। उनका इफ बट होगा नहीं होगा वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझें। वो अंदर से इस टाइम पर बहुत इमोशनल है, लेकिन खुद अपने आप को बहुत अथॉरिटेटिव मानते हैं। ये उनके नेचर का पार्ट है, ये ईगो थोड़ी सी उनके नेचर का पार्ट है, लेकिन वक्त के साथ वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। प्रपोजल आपको देना चाहते हैं वो, लेकिन वो आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके इस चेंज को समझिए कि सच में उनके अंदर बदलाव आया है। वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, आप उनके बिहेवियर की वजह से बहुत दुखी हैं और शायद आप उनके बिहेवियर को समझ नहीं पाएंगे। ये आपके पार्टनर का अपना थॉट प्रोसेस है। वो ये चाहते हैं कि आप उनके जो लाइफ है, उनके जो चेंजेस हैं उनको समझिए, उनके इमोशंस को समझिए, आप उन्हें एक चांस दीजिए। वो ये चीज़ चाहते हैं, लेकिन वो चांस तो आप तभी दे पाएंगे ना जब आपके पार्टनर आपसे कोई बात करेंगे। आपके पार्टनर यहाँ पर इन आउट वाली सिचुएशन में भी दिख रहे हैं और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने जो इमोशंस हैं उनको लेकर स्टेबल नहीं लग रहे हैं,
ठीक है, अपने आप को खोल कर आपके सामने नहीं रख रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सिचुएशन को समझ सकें। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जैसा आप चलना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं आपसे कि वो आप जैसा इस रिश्ते में चलना चाहते हैं आप वैसे उनके साथ चलें, क्योंकि उनको खुद को तो पता है कि आप बदल चुके हैं, उनको खुद को ये भी पता है कि वो खुद बदल चुके हैं और वो बहुत अच्छे के लिए बदले हैं, लेकिन उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। ठीक है, तो वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो बहुत धीरे 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 बढ़ रहे हैं कि आपकी तरफ से ना होने के चांस ही ना हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की, वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनसे कोई क्वेश्चन भी मत पूछिए और आप अपना कोई ट्रस्ट इशू भी उनके सामने मत दिखाइए, उनकी गलती को नज़रअंदाज कर दीजिए और बस उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे, वो आखिर आपसे यही चाहते हैं। द अदर थिंग इज, आपने जितनी प्रेयर्स की हैं डिवाइन ने अब उसका जवाब दिया है आपको। ठीक है, आपकी सोल से आपको ये चीज़ पता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके सोलमेट हैं। ठीक है, वो आपके ट्विन फ्लेम हैं और ये यूनियन डेफिनेटली होगा। आप जो ये मझधार की जिंदगी जी रहे हैं ना कि पता नहीं इधर को जाना है इधर को जाना है, वो आप डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ ही कवर करने वाले हैं। आपके पार्टनर भी सेम एनर्जीज में, आप दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ओके, आप दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। जो ये मिरर इमेजेस होती हैं ये ट्विन फ्लेम्स की होती हैं और आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है यहां पर। आपको ये जो आपने जर्नी अभी तक अकेले कवर की है ना, अब आप ये अकेले कवर नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ भी वैसे ही चेंजेस हो रहे हैं जैसे आपके साथ हो रहे हैं। आई होप जिनके अंदर ये चेंजेस हुए हैं उन्हें पता होगा कि इन चेंजेस को लाने के लिए या फिर इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आपने कितनी पेन सहन की है। ओके, और सेम आपके पार्टनर गो थ्रू कर रहे हैं और वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें समझें, वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनकी पोजीशन को समझें और आप समझ सकते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम्स तो स्पेशली समझ सकते हैं। आपके पार्टनर थोड़े गुस्से वाले, ईगोइस्टिक, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बताया, वो अभी भी थोड़े अथॉरिटेटिव हैं। ठीक है, वो लॉजिक्स यूज कर रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। किस तरह के लॉजिक्स की ज़रूरत हो सकती है, वो लॉजिक्स ढूंढ रहे हैं। उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की जो अवेकनिंग है वो हुई है, लेकिन वो अपनी अथॉरिटेटिव पोजिशन नहीं छोड़ सकते। ये उनका जो कह सकते हैं नेचर का पार्ट है। ठीक है, वो इस चीज़ को अभी बिल्कुल डिसॉल्व नहीं कर पाए हैं और ये जब तक डिसॉल्व नहीं होगी तब तक यूनियन के चांसेस बहुत दूर हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आपके पार्टनर की ईगो डिसॉल्व होती जाएगी उतने ज़्यादा यूनियन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। यूनियन तो होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन आउट की सिचुएशन इस ईगो की वजह से होती है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर ये चेंजेस हैं, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, वो आपसे भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें ऑप्टिमिस्टिक होकर देखें। ठीक है, आप उन्हें क्रिएटिव होकर देखें, उन्होंने भी दर्द सहन किया है, आप इस चीज़ को समझें। ठीक है, वो आपके साथ अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, वो काफ़ी क्रिएटिव होते जा रहे हैं। आपके पार्टनर शायद पहले इतने एंथुजियास्टिक नहीं थे, अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते जा रहे हैं। ओके, तो आपसे वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद रख रहे हैं। उन्हें पर ऐसा डर भी है कि शायद आप उन्हें नहीं समझेंगे, बट वो ये नहीं जानते कि आपने भी इसी तरह की जर्नी को कवर किया है। आपकी जर्नी शायद ज़्यादा पेनफुल थी उनके कंपैरेटिव। ओके, द अदर थिंग ओवर हियर इज द लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए नज़र आएंगे आपको। ठीक है, इस केस के अंदर ऐसा भी लग रहा है कि कोई और इंसान भी आप दोनों के बीच में है। ठीक है, लेकिन जो ये जर्नी होती है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, इसके अंदर एक थर्ड पार्टी हमेशा होती है, वो आपका ट्रिगर होता है।
क्योंकि सोलमेट्स की लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हर किसी की जर्नी अपनी अपनी होती है। तो यहाँ पर जो ये लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था वो अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा खुश है, उनके जितने डिसीजंस हैं वो बिल्कुल सही हैं और वो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके एक स्टेप ने उनके ऊपर बिजली गिरा दी है, वो खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से आ रही है, डिवाइन ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। उस कार्मिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने तभी एंटर किया, आपके साथ वो यूनियन में आएंगे। यहाँ पर अभी के टाइम पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता होगा कि कहीं हम ही थर्ड पार्टी हैं, तो वो सिचुएशन इस वजह से बनती है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअल बात ये है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन ये बात है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही यूनियन में आएंगे, चाहे आप थर्ड पार्टी हैं चाहे नहीं हैं, क्योंकि ये जर्नी इस तरह की जर्नी होती है। बट एक्चुअली डिवाइन के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के सोल्स के साथ कनेक्टेड हैं, आप दोनों के बीच में जो भी इंसान है वो थर्ड पार्टी है, ओके? तो ये जो लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक डोमिनेटिंग टाइप के थे, वो आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे, वो आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे थे, वो आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सिचुएशंस पे उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उनके अंदर ये बदलाव लाने के लिए उन्हें इस सेपरेशन फेज में लाया गया है, ओके? अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे से अपना रास्ता साफ करते जा रहे हैं, आप ही हैं उनके साथ, आप उनकी हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं, आप अपनी मैनिफेस्टेशन से उनकी हेल्प करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उनकी हेल्प करते हैं और उनके ऑब्स्टिकल्स क्लियर होते जा रहे हैं। वो जो भी ये एक्सपेक्टेशंस आपसे रख रहे हैं ना, वो सिर्फ इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर है, डर आपको खो देने का। बट वो ये अभी इस सिचुएशन पर नहीं आए हैं कि वो इस बैलेंस को समझ पाएं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे, इस रिश्ते में कभी भी ब्रेकअप वाली एनर्जीज नहीं होंगी, ये रिश्ते वाले लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अभी सेपरेशन में इन आउट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूनियन डेफिनेटली होगा। आपके पार्टनर ने कुछ वक्त अकेले में बिताया है जिसकी वजह से वो अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाए हैं। आपके पार्टनर अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं, अकेले में वक्त गुजार रहे हैं तो रो नहीं रहे हैं, वो अकेले में डिवाइन की तरफ को चल रहे हैं, ओके? और स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट करता है आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे और वो ये डेफिनेटली करने वाले हैं। ये एनर्जीज उनके अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं और ये उनकी जर्नी है, जर्नी का पार्ट है, ओके? और इसको वो कवर कर रहे हैं, आपके साथ कवर कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो इस पाइल वाले लोगों को मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है, बिकॉज आपने ये जर्नी खुद एक्सपीरियंस की है, ठीक है। यहाँ पर पहली बात है प्रायोरिटीज़ का कार्ड है। अब क्या है, आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, ठीक है, आप उन्हें अपनी प्रायोरिटी पर रखें, आप उन्हें इम्पोर्टेंस दें क्योंकि अब आप उनकी प्रायोरिटी हैं, ठीक है। उन्हें इस बात का डर है कहीं आप उन्हें निग्लेक्ट ना कर दें, क्योंकि उनकी जो सेल्फ रियलाइजेशन है ना वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप उन्हें निग्लेक्ट ना कर दें, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें प्रायोरिटी पर रखें। द अदर कार्ड ओवर हियर इज कॉपरेशन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे कॉपरेशन चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर वो कुछ वक्त ले रहे हैं तो आप उनका इंतज़ार करें, ठीक है, आप उन्हें कॉपरेट करें, आप जो मैक्सिमम उनके लिए कर सकते हैं वो आप करें, वो आपसे ये चीज़ चाहते हैं, ठीक है। वो ये कहना भी आपसे ये चाहते हैं कि ये जो जर्नी है उनके लिए बिल्कुल ही एक अनजान जर्नी है, तो अगर आपने ये जर्नी एक्सपीरियंस की है, इसके हर्डल्स को फेस किया है, तो आप उनकी हेल्प कीजिए, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं, ओके। द कॉपरेशन का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर मैसेज है, आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि ट्रू हीलिंग तभी होगी जब वो अपने आप को परमिशन देंगे ये सब कुछ फील करने के लिए,
ठीक है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने डिसीजन लिया उसने उनके अंदर इस जर्नी को ट्रिगर कर दिया। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है जो कि इस तरह से सामने आती है। मुझे खुद को बहुत हैरानी होती है, आपके पार्टनर इतनी डीप बात को समझ रहे हैं, वो यही मैसेज कह रहे हैं आपको, दे रहे हैं कि पहले उन्होंने आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर किया जिससे आपने जर्नी को कवर किया, और जो भी स्टेप उन्होंने आपके अगेंस्ट लिया मींस आपसे दूर गए, ठीक है, उस स्टेप ने उन्हें ट्रिगर किया। आज आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हैं अगर, तो आपके पार्टनर आपको चेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस जर्नी में चेजिंग की एनर्जी ही सिर्फ एक इंपॉर्टेंट एनर्जी नहीं होती, हीलिंग की एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है। आपके पार्टनर अपने आप को हील कर रहे हैं, उससे बेटर और क्या हो सकता है। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। आपके पार्टनर जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं उससे आपको पता लग रहा होगा कि वो जर्नी के कौन से पार्ट में है। तो जो उनके रिएक्शंस हैं, जो उनके एक्शंस एंड रिएक्शंस हैं, उससे आप इंडिकेट ले सकते हैं, इंडिकेशंस ले सकते हैं कि उनकी जर्नी कौन से पड़ाव पर आ गई है। ठीक है, उनका इंटरनल और आउटर सेल्फ दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है यहाँ पर। तो अगला कार्ड यहाँ पर है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ को हैं ताकि वो अपने प्रैक्टिकल जीवन को अच्छे ढंग से जी सकें। उनके अंदर बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, और जो ये हार्डवर्क आपके पार्टनर कर रहे हैं वो हार्डवर्क उनका रिजल्ट देगा, और वो देना स्टार्ट कर चुका है। ओके, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में अगर हैं तो आज के टाइम पर वो किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन उस तरह से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज शी वुल्फ का कार्ड है। आपको एंजल्स डिवाइन ये चीज बता रहे हैं, जो उनकी वाइल्ड सेल्फ थी, ठीक है, वो खत्म होती जा रही है। आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, एक ऐसे इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। उनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज थी वो रिलीज होती जा रही हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है, जो स्टेप उन्होंने लिया उसकी वजह से जो भी वो कार्मिक रिलेशनशिप था वो आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खा गया। और द अदर कार्ड ओवर हियर इज ड्रीम एंड जर्नी का कार्ड है। आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ आ चुकी है, ये एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ये उनकी जर्नी है और ये जर्नी आपके साथ है। अगर वो इस जर्नी के ऊपर अपने ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली तभी उनके ड्रीम्स पूरे होंगे, और उनके ड्रीम्स क्या हैं, आपके साथ जीना ही उनका ड्रीम है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नीचे प्लीज़ कोई क्वेश्चंस मत पूछिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जानना है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड ईयर वंस के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके अपने रिलेशनशिप को लेकर, किस तरह का ये रिलेशनशिप है उन्हें पता लग सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो, और मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन दैट। उसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।